कुमारी शैलजा की जनसंदेश यात्रा टोहाना पहुंची, जहां उन्होंने कहा कि इस यात्रा को जनता का खूब प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, जिससे तय हो गया है कि बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान शैलजा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी को लोग भारतीय जुमला पार्टी कहते हैं, क्योंकि हर बार चुनाव के समय में आकर ये पार्टी मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहती है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली की। सानू गरीबों का जीवन का स्तर जोड़ा जीवन उच्चा पद्धर किमें चक सकते हैं, ये साड़ियाँ प्रायोरिटीज़ ने। मेरे ते यकीन तुसी कीता तो यकीन रखियो, मैं थोड़ा यकीन कदे टुटन नहीं दूंगा। एक नया जुमला छोड़ देती है, लेकिन अब जनता बीजेपी से परेशान हो चुकी है और ऐसे में आने वाले समय में हरियाणा में कांग्रेस 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का काम करेगी। बहुत प्यार से लोगों ने और बड़े जोश के साथ, खास करके हमारी बहनों ने और नौजवानों ने, जो जोश हम देख रहे हैं, ये एक बदलाव की ओर ले जा रहा है, उस दिशा की ओर ले जा रहा है जो 10 साल की राजनीति रही भारतीय जनता पार्टी की। अब तो भारतीय जनता पार्टी को जुमला पार्टी कहा जाने लगा है, क्योंकि ये चुनाव आता है और कोई ना कोई जुमला छोड़ते हैं। अब इस चुनाव में आप देख रहे हैं, भगवान राम के नाम पर वोट मांगना, अपने काम पर वोट मांगिए। भगवान राम तो सबके दिल में, उनके नाम से क्या वोट मांग रहे हैं, लेकिन ध्यान बांटना है बेरोजगारी से, महंगाई से। जी नीतीश जी दोबारा NDA में चले गए हैं, क्या कहेंगे आप? ये आप ये बताइए, आपको लगता नहीं कि ये कोई साजिश है? भारतीय जनता पार्टी पहले भी उनकी गोद में आए, फिर गए, फिर उनकी गोद में, तो ये इनकी एक साजिश है देश को खराब करने की, कमज़ोर करने की, और इनकी सच्चाई का पर्दाफाश हुआ है, कभी इंडिया में कभी NDA में, लोग माफ़ नहीं करेंगे। विपक्ष वाले जो अक्सर कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं उन पे एक ही सवाल दागते हैं, और वो कहीं ना कहीं सवाल उठता है एकता का, क्या कांग्रेस उनको अपनी एकता का झूठ होने का प्रमाण जो, तो कहीं ना कहीं लोगों में बहम है। एक बात समझिए कि सभी लोग कांग्रेस पार्टी में जितने भी हैं तिरंगे के नीचे अपना काम करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, अपनी नीति, अपनी जो हमारी विचारधारा है, अपना नेतृत्व, यही बातें लेकर जाते हैं और कांग्रेस के साथ सभी लोग जोड़ते हैं। सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन है कांग्रेस। और पूरी तैयारी है, और मैं समझती हूँ कि कांग्रेस की भी तैयारी है और लोगों की भी तैयारी है। स्कैंडल पे स्कैंडल, स्कैम पर स्कैम हो रहे हैं, और कहते हैं हम इंक्वायरी करेंगे, लेकिन कोई अंजाम नहीं। कांग्रेस आएगी, सारे सिस्टम को साफ करेगी। सरकार का काम होता है कि आम लोगों के लिए ज़िंदगी बेहतर करें, सहूलियत होनी चाहिए। आज के दिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक काम के लिए भी आप सरकारी दफ्तर में जाएंगे तो आपको चक्कर पे चक्कर काटने पड़ेंगे। कांग्रेस आएगी, ये लोगों की सरकार। आज भी हम लोगों के बीच में इसीलिए जा रहे हैं ताकि लोगों की तकलीफ को समझे, और आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी और हम इन तकलीफों को जरूर जरूर दूर करेंगे। दुष्यंत चौटाला ने आज बयान दिया है कि 2024 कांग्रेस का अंतिम चुनाव है, कांग्रेस बिखर जाएगी, खत्म हो जाएगी, आप क्या कहेंगे? देखिए, अब जजपा का तो जो हाल हुआ, उनको लोगों ने 10 सीटें दी थी, लेकिन उन्होंने वोट मांगा था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और फिर उन्हीं के साथ जाकर सरकार बना ली। तो अब आप जानते हैं कि ज़मीन पर लोगों के उनके बारे में क्या प्रतिक्रिया है, ये समय बता देगा। राज्यसभा चुनाव हाल ही में घोषित हो चुके हैं, 16 राज्यों में 56 राज्यसभा है, उनमें क्या कहेंगे राज्यसभा चुनाव को लेकर? हर स्टेट में अलग अलग परिस्थिति है, नंबर्स पर डिपेंड करता है, तो हर स्टेट में अलग देखा जाएगा। से लगातार ईडी की पूछताछ जारी है, और अनिल जी कहते हैं कि वो जेल के दरवाजे पर है, आप क्या कहेंगे? देखो, इस तरह की बातें करना, मैं समझती हूँ कोई अपने जो हमारे यहाँ कानून व्यवस्था है उसको चुनौती नहीं देना चाहिए। और ये अब ED तो सबका आज रोज का काम हो गया, किसी ना किसी के पीछे। वहीं शैलजा ने बीजेपी को लेकर कहा कि जननायक जनता पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ प्रचार करके 2019 में चुनाव लड़ा था, और जीतने के बाद भाजपा की गोदी में जाकर बैठ गई,
ऐसे में जेजेपी पार्टी के खिलाफ जनता में रोष है, जिसका परिणाम आने वाले चुनावों में आएगा। टोहाना से सुशील सिंगला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।